विपर्जोय बारिश में जगह जगह टूटी भारत माला, खेतों में पानी, वही किसानों का प्याज खराब। अमृतसर से जामनगर तक बनाई गई भारतमाला सड़क का भी उद्घाटन भी नहीं हुआ है और जगह जगह से निर्माण कार्य टूट रहे हैं। रविवार को हुई बारिश से कई जगहों पर सड़क के रेनकट टूट गए, इससे पानी किसानों के खेत में जा घुसा। वहां स्टोर की गई प्याज की फसल खराब हो गई। नाराज किसानों ने सोमवार सुबह सड़क की मरम्मत की सामग्री ले जा रहे ठेकेदार के वाहन को रुकवा दिया है। इसकी सूचना पर त्योरी तहसीलदार मौके पर पहुंचे और किसानों को मुआवजे का आश्वासन दिया। इसके बाद किसानों ने वाहन को आगे जाने दिया। जानकारी के अनुसार रताने के ढाणी निवासी किसान ताजाराम की प्याज की फसल के लिए भारतमाला कैर बन गई। क्षेत्र में रविवार को हुई तेज बारिश से भारतमाला सड़क जगह जगह पानी के साथ बह गई। हालांकि निर्माण कार्य करने वाली कंपनी ने तुरंत प्रभाव से सड़क को ठीक करने का कार्य शुरू कर दिया। उसमें भी वापस मिट्टी व कच्ची गिट्टी भरने का कार्य किया गया, जबकि मानसून की बारिश होना भी बाकी है। किसानों को आशंका है कि मानसून की बारिश का पानी फिर से बहकर फसलों को खराब करेगा। पिछले साल भी बारिश में कई जगहों से सड़क पानी के साथ बह गई थी। किसान ताजाराम के खेत में भारतमाला टूटने से खेत में ढकी प्याज की फसल पर पानी की चादर चढ़ गई। खेत में ढकी साल भर की मेहनत पर पानी फेर दिया। वहीं भारतमाला का रनकट से खेत में पानी आ गया और किसान को फसल बचाने का मौका भी नहीं मिला। गगड़ी क्षेत्र में निकले अमृतसर जामनगर हाईवे की गुणवत्ता को लेकर नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने लोकसभा में मुद्दा भी उठाया था। पिछले वर्ष मानसून की पहली बारिश में ही दर्जनों जगहों से सड़क पानी के साथ बह गई थी। इस बार मानसून की बारिश होना अभी बाकी है। कल शाम को बरसात हुई थी, भारतमाला का रैंप टूट के मेरे खेत में पूरा पानी आके मेरी प्याज की फसल पूरी नष्ट हो गई। वो रैंप सही नहीं बनाने की वजह से मेरे खेत में पानी आया है। इस वजह से पानी ये टूटने से मेरे खेत में पानी पूरा बढ़ा था। पानी बढ़ने से प्याज ढके हुए फिर गए सारे। पूरी साल की मेरी कमाई नष्ट हो गई है और ये अभी तो मानसून का पानी बाकी है और मानसून आएगा इसमें खेत में बो नहीं सकूं मैं, क्या करूंगा। और बाकी भारतमाला के कर्मचारियों की वजह से मेरा ये नुकसान हो रहा है। इसको रैंप को सही तरीके से बनाया नहीं, इसकी वजह से हो रहा है बार बार नुकसान। आपको अभी प्याज में कितना नुकसान हुआ है? 5 लाख रुपए। 5 लाख नुकसान हुआ है? हाँ। तो अब इसकी निधि आपकी क्या? मैं राज्य सरकार से मांग करूँ मेरी इसका मुआवजा दिया जाए।